आज भी खिचड़ी ही बनाई है, घर में ज्यादा कुछ है नहीं। आते हुए कुछ हो पाए तो सब्जी लेते आना। ठीक है, कोशिश करूँगा। पिता और बेटा मिट्टी के फर्श पर खाने के लिए बैठते हैं और बहू दोनों को थाली में खिचड़ी परोसती है। पिता हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए, पता नहीं नारायण हम पे कब प्रसन्न होंगे और हमारी गरीबी दूर होगी। विष्णु लोक में शेषनाग पर बैठे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी मंद मंद मुस्कुराते हुए नारद मुनि हाथ में वीणा लिए भगवान विष्णु के पास बढ़ते हुए, नारायण नारायण, हे प्रभु, ये परिवार वर्षों से आपकी पूजा करता आया है, आप इनके दुख दूर क्यों नहीं करते? कितने दुखी हैं बेचारे। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए, हे नारद, ऐसा इसलिए क्योंकि ये अभी इसके लिए तैयार नहीं है। यदि मैंने अभी इनके सामर्थ्य से अधिक दिया तो ये स्वयं को नुकसान पहुंचाएंगे या दूसरों को। जब ये तैयार होंगे इन्हें इनकी परेशानियों से मुक्ति अवश्य मिलेगी। नारायण नारायण, प्रभु मैं भी आपका भक्त हूँ और ये भी आपके भक्त हैं। इस कारण मैं इनका कष्ट देख नहीं पा रहा। यदि आप अनुमति दें तो मैं इनकी सहायता करना चाहता हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए, यदि आपकी ये इच्छा है तो अवश्य करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी एक दूसरे को देखते हुए मंद मंद मुस्कुराते हैं। नारद मुनि झोपड़ी के दरवाजे पे साधु वेश में, नारायण नारायण, घर पे कोई है? जी बाबा, क्या सेवा करूं? कुछ भोजन के लिए है तो दे दो। घर में कुछ खाने को नहीं है बाबा, आप आशीर्वाद दें कि हमारा घर भरा रहे ताकि हम आपको दान दे पाए। पुत्री, कल सुबह तुम अपने पूरे परिवार के साथ सूरज निकलते समय गांव की नदी में खड़े होकर एक एक इच्छा बोलना। तुम्हारे परिवार के तीनों सदस्यों की एक एक इच्छा पूरी होगी। धन्यवाद बाबा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आप महान हैं। अजी सुनते हो, हमारे सारे दुख कल दूर हो जाएंगे। खाना वाना छोड़ो, जल्दी सो जाते हैं, कल जल्दी उठकर नदी जाना है। बाबूजी को भी बता दो। बेटे दरवाजे पर बैठे बाबूजी की कान में, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बाबूजी, ये सच है। अच्छा ठीक है, फिर चलो सो जाते हैं। तीनों नदी में सूर्य देव को प्रणाम करते हुए, हे ईश्वर, मैं चाहती हूँ कि मैं राजकुमारी बन जाऊँ। और वो राजकुमारी बन जाती है सुंदर कपड़े और जेवर पहने हुए। देवी तुम कौन हो? मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मुझे स्वीकार है। बेटा ये देखकर, हे ईश्वर, ये औरत अभी बूढ़ी और बीमार हो जाए, इसे कोढ़ हो जाए। ये क्या है, तुम कौन हो? उतर जाओ मेरे रथ से। बेटे की पत्नी रोते हुए रथ से उतर जाती है। हे ईश्वर, सब पहले सा जो जैसा था वैसा ही कर दे। और सब पहले जैसा हो जाता है। आकाश से नारद मुनि ये सब देखकर मुस्कुराते हुए,